जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने तहसील स्तर पर 11 जुलाई से 30 जुलाई तक वृद्धा पेंशन धारकों का कैंप लगाकर आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कराने का निर्देश दिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि शासन के द्वारा जितने भी वृद्धा पेंशन है उसकी रेगुलर समीक्षा की जा रही है और जितने लोगों को पेंशन मिल रहा है उसका जाँच करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा इसका सही से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए अभियान चलाकर ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग विभागों को निर्देशित किया जा रहा है कि वह जांच करें जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो गई है या जो लोग अपात्र व्यक्ति हैं उनके नामों को हटवाया जाए, जिससे सही व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, बेसिकली जितने भी स्कीम्स हैं विधवा पेंशन वृद्धावस्था समय स्कीम्स में हम लोग इसका समीक्षा रेगुलर कर रहे हैं। कुछ हद तक एक वेरिफिकेशन लेवल पे पेंडिंग निकल रहा है, कुछ ड्राइव में कमी है, लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करने का प्रेरित करना है, तो इसी संबंध में अलग अलग विभाग को निर्देशित किया जा रहा है कि अपने अपने ड्राइव निकालें और रूटीन वाइज इसको इंश्योर करें कि जितने लाभार्थी उनके चयन हो जाए और जो अपात्र हैं या जो डेथ हो गया है उन सबको वहाँ से लिस्ट से वीड आउट करेंगे।